खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से है, जहां सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल अपना इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। बता दें कि वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालों से बेहतर है। वहीं दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को जिला अस्पताल और सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल अपने इलाज के लिए बुरहानपुर जिले में पहुंचे और जिला अस्पताल के फिजियोथेरेपी कक्ष में अपना इलाज कराया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आदेश के अनुसार ही जनप्रतिनिधियों को जिला अस्पताल और सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराने को कहा गया है। वहीं इससे सरकारी अस्पतालों में कमियां उजागर होती है, साथ ही लोगों की इस मानसिकता में भी बदलाव आएगा कि सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज नहीं कराते हैं। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से जिला अस्पताल और सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराने का भी आग्रह किया है। मेरे को थोड़ा फिजिकली भी करना था, प्रॉब्लम था और उसको एक राज्य में आज भी आया, मैं चार दिन का। और इसलिए आरोप कि शहर के आम जनमानस तक भी ये बात पूछे कि सरकारी हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल न समझे, ये हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार और डॉक्टर देहरादून की सरकार ने सारी सुविधाएं दी है। और फिजियोथेरेपी जिनको भी प्रॉब्लम है वो सारे लोग आकर यहाँ पर आकर अपनी स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर भी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी वो सारी सुविधाएं यहाँ पर है। और एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सभी जनप्रतिनिधियों को एक संदेश है कि आप आपके हॉस्पिटल में जाएंगे तो आमजन भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, और आप जनप्रतिनिधि जाएंगे तो वहाँ पर जो भी दिक्कत है वो दिक्कतें समय रहते हुए पूरी हो जाएगी।